सब चौक चौक पे दलित नेता पैदा हो गया है जी। तो अब अधिकार से जो है ना खैरात पे चला गया, 5 किलो अनाज, 15 किलो, 1500 रुपया महीना, ये सारी। और अधिकार की बात नहीं, देख लेना कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो, हवा में तुम कूद रहे हो। तुम आरएसएस का ये सब दिया हुआ नारा है, ठीक से पढ़ तो ले। आरएसएस के नारे जनताओं के बीच पहुंचाए जा रहे हैं क्या? हाँ, ये खाली नारा दो और मगन एकदम झूमते रहो, बाबा साहब का नारा है, संसद भवन हमारा है। तो आरएसएस बीजेपी डर गया, संसद भवन ही बदल दिया। इलेक्शन अभी हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखा एनालिसिस करता है, सब बना हुआ है। किसी ने उसका कोर्स किया है? नहीं। घर में बैठ के ये जीतेगा, ऐसे जीतेगा, मैंने किया नहीं किया ना, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका। वाई शुड आई? ये कह रहे थे कि बसपा गठबंधन में आ जाए। अब जब आप किसी से बात ही नहीं करने जाओगे, दिन भर कहोगे मेरा शत्रु नंबर एक कांग्रेस है, तो इसका मतलब शत्रु नंबर दो बीजेपी है ना, तो बीजेपी से आपको ज्यादा मोहब्बत है। मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज मेरे साथ रतनलाल सर मौजूद हैं। इनसे मैं चुनावी जो रिजल्ट आया है 3 दिसंबर को, उस पर विषय पर बात करूंगा। इस रिजल्ट को देखने के बाद बहुजन राजनीति, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों के भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बी मिशन टीवी पर। कल चुनाव रिजल्ट 3 दिसंबर को आया, उस रिजल्ट को आप किस नज़र से देख रहे हो? जो राजनीतिक दल दावा कर रहे थे, बहुजन राजनीतिक दल एक बड़े वर्ग को लेकर साथ में चल रहे थे, वो कह रहे थे हम एक सरकार बनाएंगे, पावर ऑफ बैलेंस में लगभग 4 राज्य में रहेंगे। तो इस आज वोट प्रतिशत भी आधा रहा, तो कैसे, क्या आप अभी देख रहे हैं? बाबा साहब और तमाम उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर्स हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, इवन राजीव गांधी तक जी, तो उस समय अधिकार की बात होती थी, दलित राइट्स की बात होती है। और अभी जितना जो अभी आए हैं सब दलित नेता, सब चौक चौक पे दलित नेता पैदा हो गया है जी। तो अब अधिकार से जो है ना खैरात पे चला गया, 5 किलो अनाज, 15 किलो, 1500 रुपया महीना, ये सारी। और अधिकार की बात नहीं हो रही है, तो ये इन दलित नेताओं और पार्टियों का कंट्रीब्यूशन है, इनका कुछ नहीं है। दलित लोगों को पार्टी सब बंद कर देना चाहिए और दलित समाज को इकट्ठा होना चाहिए, बड़ी बड़ी रैलियां, पंचायत करना चाहिए और अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। और क्योंकि दलित पार्टी देख ली ना, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो, हवा में तुम कूद रहे हो। तुम तो पहले समाज को बचाने के लिए मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र अपना निकालना चाहिए और ये कहना चाहिए कि बाबा साहब के विजन के हिसाब से कि जो हमारे एजेंडा को मांग करेगा, जो पूरा करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद सारी पार्टियां आपके चरण में बैठी रहेंगी। 2 MLA, 1 MLA जितवाते हुए पूरे सूबे का दलित पीटा जाता है जी, तो तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है। अमेरिका में ब्लैक्स लोगों ने पार्टी बनाई, इतिहास कुछ पढ़ता उड़ता नहीं है ना। अभी राजनीतिक दल के नेता एक बड़ा नारा देते हैं, सभा करते हैं कि बाबा साहब का इशारा है, संसद भवन हमारा है, तो ये कभी बाबा साहब का कोई इशारा नहीं था, ये आरएसएस का ये सब दिया हुआ नारा है, ठीक से पढ़ तो ले। आरएसएस के नारे जनताओं के बीच पहुंचाए जा रहे हैं क्या? हाँ, ये खाली नारा दो और मगन एकदम झूमते रहो, बाबा साहब का नारा है, संसद भवन हमारा है। तो आरएसएस बीजेपी डर गया, संसद भवन ही बदल दिया, संसद भवन ही बदल दिया, बाबा साहब गायब कर दिया। 2024 आ रहा है, अभी प्रधानमंत्री की, बाबा साहब का था शिक्षित बनो जी, तो कितने लोग शिक्षित बने हो, कितने इतिहासकार, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, आर्किटेक्ट, कितने लोग बने बताओ? खाली नौकरी करने से शिक्षित नहीं होता है ना, कितने लोग बने हो, वो बोले थे संगठित हो जी, तो संगठित हुए कि विखंडित हुए? अभी राजनीतिक दल नए नए खुलते जा रहे हैं, अभी फिर और आपने देखा होगा हर जात का पार्टी हो गया, लगातार चुनावी दल खुल रहे हैं, ठीक है। अब बोले कि आंदोलन करना है, संघर्ष करना है, तो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस चुनाव के बाद एक और नई राजनीतिक दल खड़ा हुआ? अरे वो सब बंद करो, मैं दलितों को राजनीतिक दल बंद कर देना चाहिए, इन पे कुछ नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूँ, नहीं नहीं बंद कर देना चाहिए। आप बैठे रहना चाहिए घर पे, करना क्या चाहिए, घर पे बैठे रहना चाहिए। क्या लगता है सर, कभी दलित, आप पूरी बात सुने नहीं, बात सुनो सर, पहले आरएसएस चुनाव लड़ता है? नहीं लड़ता, लड़वाता है बिल्कुल। और अभी ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है और सारा एजेंडा अपना लागू करवाता है। दलित लोग तो जो ऑटो चलाता है उसको भी MLA बनना है, और जो IAS बन के आता है उसको भी, सबको MLA MP बनना है, किसी को अर्थशास्त्री नहीं बनना है, किसी को इंडस्ट्री नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। बुर्जुआजी समझते हैं टर्म, जिसका मिडिल क्लास स्ट्रांग नहीं होता है वो कभी राजसत्ता नहीं पा सकता है।
मनुस्मृति क्या कहता है कि शूद्रों का खाना जो है टूटे बर्तन में होना चाहिए, कपड़े उनके फटे होना चाहिए, उनके पास धन नहीं होना चाहिए। तो 50-60 साल में जो है ना बाबा साहब का संघर्ष कांग्रेस की कुछ नीतियों की वजह से थोड़ा धन वन होगा, जैकेट पहने घूम रहे हो। आरएसएस कहता है, मनुस्मृति मानता है, ये सारा जैकेट वैकेट तुम लोग का उतार देगा, अभी सब वो मजदूरी करवाएगा, सब फिट हो जाएगा, सब हुक्मरान बनते रहना। क्या दलित समाज के लोग सपने में पीएम बनाएंगे या कभी असल नारों में? नारों में और सपनों में अभी पीएम बने या कोई भी ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा। पहले बात सुन लीजिए, पूरे भारत का दलित इकट्ठा हो जाएगा तब भी जो है ना 50 MP नहीं जितवा सकता था, पीएम कैसे बनेगा अपने बल पे? हर पार्टी हर चुनाव में दावा करती है बहुजन समाज की कि हम पीएम बनाएंगे। अरे बहुजन समाज कहाँ है यार, क्या झूठ मूठ बोलते हो? बहुजन समाज कौन? बहुजन समाज कहाँ है? बहुजन समाज बहुजनों ने ठाना है, बहुजन ठाना है तो 2% वोट आ रहा है। पीएम बनाना अभी हिम्मत नहीं आ रही, सब दिमाग मत खराब करो। कोई बहुजन जो नहीं है, पहले दलित पे ही बात कर लो, मैं तो दलित पे बात कर रहा हूँ लगातार। चलिए आप दलित, 16% दलित है, 2% वोट आ रहा, बहुजन करो 85%। एक लोटा छाप पार्टी है उधर, क्या नाम है उसका, नागपुर वाला, वो हर इलेक्शन में ईवीएम तोड़ता है, फिर लड़ता है, जाके 30 वोट लेके आता है। बावन में शाम जो भी है उसका चंदा हुआ है, बहुत लोगों का धंधा चल रहा है इसमें। अभी एक चुनाव आया उसके बाद नारा दिया जा रहा है खासकर दलित व्यक्तियों के द्वारा, अभी हिम्मत नहीं आ रही है, अब संसद की बारी है। हाँ वो बहुत बढ़िया, दलित समाज नारों के अलावा क्या दे रहा है पहले बताओ? एक शोध पेपर लिख रहा है? नहीं लिख रहा जी। इलेक्शन अभी हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखा, वो क्या कहते हैं, साइफोलॉजी क्या कहते हैं उसको, साइफोलॉजी कहते हैं ना, इलेक्शन का जो एनालिसिस करता है, सब बना हुआ है। किसी ने उसका कोर्स किया है? नहीं। घर में बैठ के ये जीतेगा ऐसे जीतेगा, मैंने किया नहीं किया ना, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, वाई शुड आई? जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तब मैंने जो है जाके, अच्छा वोट परसेंट कहाँ, वोट कहाँ गया, तब उस पर बात की। तो ये कोई कोर्स नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, और सब जो है ना पूरा एनालिसिस कर रहा है। तो ये समाज को अभी नारों में रहने दीजिए, नारों में ब्राह्मणों को ये रूसिया भेज रहा है, नारों में प्रधानमंत्री बन रहा है, तो नारों में इनको गुदगुदी वाला नारा देता है ना, उसको अच्छा लगता है। पर एक विश्लेषण काफ़ी तेज किया जा रहा है कुछ चैनलों द्वारा, खासकर वो बहुजन मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश की वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई, रावण की वजह से BSP राजस्थान में हारी, ये लॉजिक और अन्य सबका वोट जोड़ दो, अब तब पता करो जीती कि नहीं जीती, पहले जोड़ो ना वोट, चंद्रशेखर का वोट आप बसपा का वोट दोनों जोड़ दो, सरकार बन रही थी क्या राजस्थान? एक मिनट, बन रही थी सरकार, हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का है, तुम लोग जो है ना काहे, मतलब रेत में जो आंख छुपाए हुए हो, जागो जागो दलितों जागो, बहुजन नहीं कर रहा हूं मैं, जागो दलितों जागो, तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है, तुम मनुस्मृति के युग में जाने वाले। आपको क्या लगता है 24 में कांग्रेस BJP का मुकाबला कर पाएगी जिस तरीके का चुनाव रिजल्ट सामने आया है? तो बहुत सारा इस चीज पे डिपेंड करता है, कांग्रेस हारी तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस से हारी, उनका दम भर रही है भाई, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जमीन तक हवा में चुनाव लड़े गए, इस वजह से हारी। अगर अखिलेश को 6 सीट वहां दे देते, ट्राइबल पार्टी ने गठबंधन की बात की थी राजस्थान में मध्य प्रदेश में, और उससे ही कर लिए रहते, तो 3 जीता ना ट्राइबल पार्टी का, मध्य प्रदेश में भी एक जीता, ठीक है, भारत आदिवासी, तो कर लिए रहते तो वहां कितना से जीते हो, जस्ट 0.5% वोट से राजस्थान में, तो इनका अहंकार भी टूटा है ना, ये अहंकार में थे, ट्राइबल पार्टी से अगर कर लिए रहते तो सरकार में रहते अभी, मध्य प्रदेश का इक्वेशन भी अलग रहता, तो अहंकार भी, कांग्रेस का अहंकार भी टूटना चाहिए, टूटा अखिलेश का 2022 में टूटा, टूटा ना, वह जो गलतियां अखिलेश ने 2022 में की थी, मुझे ये जो अभी एक्शन हुआ था कांग्रेस और सपा के प्रति, वो सेम ऐसा लगा जैसे, अरे वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो गलतियां अखिलेश यादव ने 22 में की थी वही गलतियां कांग्रेस ने अब की 23 में जी। अब 24 का समय काफी है, 6 महीने लगभग, मैं मान के चलूं 6 महीने बाद चुनाव हुआ, तो क्या लगता है? अब नेता सब डिसाइड करेगा, मैं थोड़ी कोई थिंक टैंक उनका हूँ कि मैं बताऊंगा कि ये होगा वो होगा, हम तो बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे, हम तो पहले ये भी कह रहे थे कि बसपा गठबंधन में आ जाए। अब जब आप किसी से बात ही नहीं करने जाओगे, दिन भर कहोगे मेरा शत्रु नंबर 1 कांग्रेस है, तो इसका मतलब शत्रु नंबर 2 BJP है ना, तो BJP से आपको ज्यादा मोहब्बत है, तो एक काम करो, दलित समाज तय करे कि तुमको BJP के साथ जाना है कि कांग्रेस के साथ, क्लियर ये तय कर लो,
जो नौकरियां वगैरह मिली थी वो 40-50 साल वही कांग्रेस रूल में मिली थी। अब कुछ ना मिलने वाला, सब ठेके पे काम करो, 15,000 में काम करो, मस्त रहो। एक मैं बीएसपी मुखिया बहन जी को ये लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो अपने जो सीट है लोकसभा की अच्छी सीट मांगेंगे जब गठबंधन में शामिल होंगे। अब जो रिजल्ट आया उसके बाद आपको क्या लगता है फिर शामिल होंगे? वो तो बहन जी के प्रवक्ता से पूछिए जाके। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़े, उनको अकेले लड़ना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। 10 तारीख की मीटिंग को कहाँ नजर से देख रहे हो कि 24 की अकेला सलाह लेने के लिए बुलाई जा रही है? पता नहीं क्या करें, वो किसी से सलाह वलाह थोड़ी लेते हैं। उनको सलाह देना खुद ही सलाह अपने मुख्य कानून दलितों से खासकर दलित लोग अब उत्तराधिकारी दलित लोग अब उत्तराधिकारी नेता लोग उत्तराधिकारी घोषणा कर रहा था तो उत्तराधिकारी तो राजा महाराजा करते थे। तो जब उत्तराधिकारी घोषणा करो तो अधिकारी का जरूरत है, जाओ मस्त रहो उत्तराधिकार, अब सब देखते रहो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।